आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, कितना क्रिस्पी पकोड़ा है। ये बहुत ही अलग तरह का पकोड़ा है। जी हाँ, ये लोटस स्टेम, जिसको बेह भी बोलते हैं सिंधी में, और कई लोग इसको मुरार भी बोलते हैं, कई कमल ककड़ी बोलते हैं, उसका पकोड़ा है। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। आज हम बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट लोटस स्टेम के पकोड़े बनाएंगे। ये सिंधियों में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके लिए हमने लोटस स्टेम लिया है और उसको पहले हमने बहुत अच्छे से धो लिया, क्योंकि मिट्टी लगी रहती है, और उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से छील लेंगे। छील के ये कुछ इस तरह का दिखता है, और ये दोनों तरफ बंद लेना पड़ता है ताकि अंदर मिट्टी ना लगी हो। फिर भी इसमें अंदर कुछ मिट्टी के शेष रह जाते हैं, उसके लिए हम इसको बहुत अच्छे से धोएंगे एक ट्रिक के साथ। इसको इस तरह से कट कर लीजिए। ये इस तरीके से कट करना है। यहाँ पे हमने एक स्टेम के 4 टुकड़े कर लिए हैं लगभग। अब हमने यहाँ पे पानी उबलने को रखा था कुकर में, जिसमें हमने यहाँ पे स्टेम के टुकड़े डाल दिए हैं। इसको मुरार भी बोलते हैं। इसमें डालेंगे हम 1/2 कप दूध, ताकि जो अंदर मिट्टी हो इसमें वो बिल्कुल क्लीन हो जाए और मिट्टी ना रहे इसमें। और हमने यहाँ पे एक बॉल लिया है, जिस बेसन ले लेंगे। बेसन में हम डालेंगे हरी धनिया बारीक कटी हुई, और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और लाल मिर्च डालेंगे, वो भी स्वाद अनुसार। और डालेंगे यहाँ पर हम सूखा धनिया, गरम मसाला और पिंच थोड़ी सी सोडा बिल्कुल, और इसमें पानी डालेंगे। पानी एकदम से ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, ताकि ये ज़्यादा गीला टाइप का ना हो जाए। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं। हमने लोटस स्टेम को लगभग 3 से 4 सीटी लगा ली थी। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए, इसलिए यहाँ पर लगभग 4 से 5 चम्मच पानी डाला है। इसके बाद डालेंगे आमचूर पाउडर और तिल डालेंगे, और फिर से सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने यहाँ पे खोल लिया है कुकर को, और ये देखिए, ये इस तरीके से गल चुका है। इससे ज़्यादा नहीं गलना चाहिए, क्योंकि पकौड़े फिर अच्छे नहीं बनेंगे। हमने इनको यहाँ पे निकाल लिया है और ठंडा पानी डाल के इनको ठंडा कर लिया है, और इसमें इस तरह से चीरा लगा के और 1/2 पीस करेंगे। 1 पीस से लगभग 2 पकौड़े तैयार हो जाएंगे। तेल मीडियम गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डिप करेंगे। इस तरह से डिप करेंगे ताकि अंदर भी थोड़ा बेसन चला जाए। हमने इनको तेल में डाल लिया है। ये डिश बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसको आप दाल चावल के साथ में साइड सब्जी के रूप में भी बना सकते हैं, और बारिश के मौसम में भी बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं, सिंधियों में बहुत ही फेमस डिश है ये। लीजिए, तैयार है हमारे, इसको सिंधी में बेह भी बोलते हैं, उसके पकोड़े। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमको ज़रूर बताएं कमेंट करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। इसको आप हरी चटनी और सॉस जिसके साथ भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। ये बिना हरी चटनी और बिना सॉस के भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे आपको। पकोड़े के लिए जब भी आप कमल ककड़ी खरीदें तो थोड़ी सी मोटी खरीदें, ताकि उसके पकोड़े बहुत अच्छे बने और जल्दी गल भी जाएं।